हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द दीपिकास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिपिकल बंगाली स्वीट, जिसका नाम है नारियल के लड्डू, और जिसे बंगाली में हम कहते हैं नारकेलेर नाड़ू। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, बनाना भी बहुत इजी है। सेम टाइम में हम इसे बनाएंगे, एक ही समय में प्रिपेयर करेंगे दो अलग अलग फ्लेवर के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, जिसे कि आप किसी भी पूजा पाठ या त्यौहार में झटपट से बना करके रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट इसका स्वाद भी होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है दो बड़े वाले नारियल, तो ये पानी वाला नारियल है। अब इसे हमें इस तरह से बीच में से हाफ तोड़ लेना है। तो लगभग दो नारियल से हम ये लड्डू प्रिपेयर करेंगे, और एक किलो के करीब नारियल के लड्डू बन करके रेडी होने वाले हैं। और इसके बाद इसे इस तरह से मैंने किस लिया है, और जो काला वाला जो पोर्शन होता है पीछे वाला, उसे हटा लिया है। मिक्सी में आप आराम से इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं इसे। और इसके बाद हाफ पोर्शन मैंने डिवाइड कर लिया है। एक भारी तली वाली कढ़ाई ली है, और उस पर आधा जो है पिसा हुआ नारियल, इसे हमें अलग कर लेना है, बाकी आधा रख देना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं करी है। और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 200 ग्राम के करीब शक्कर। अगर आपको शक्कर थोड़ा ज़्यादा कम पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ एक मेन इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश करना है। इससे क्या होगा, लड्डू जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइंड होंगे, और बहुत ज़्यादा फटाफट हमें बनाना इसे बहुत ही ईजी होगा, समय भी इसमें बहुत कम लगने वाला है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर वाला वही कटोरी का एक कटोरी दूध, इसे भी इसके साथ में मिक्स कर लेना है। और अब हमें इसे गैस पर चढ़ाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और लगातार इसे हमें चलाते चले जाना है दोस्तों। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर तली में लग जाता है तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। इसे लगातार आप चलाते रहिए। अब साथ ही साथ गुड़ वाले लड्डू भी मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ, उसके लिए भी मैंने एक अलग से भारी तली वाली कढ़ाई ले ली है। 200 ग्राम गुड़ लिया है यहाँ मैंने, जिसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और इसके बाद जो बाकी आधा नारियल था पिसा हुआ, उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की सहायता से या हाथों की सहायता से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस तरह से आप अच्छी तरह से इसे भी 5 से 7 मिनट के लिए मैश कर लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो लड्डू बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत कम हो जाता है, समय भी कम लगता है, और बहुत अच्छी तरीके से लड्डू बाइंड होते हैं। ये देखिए शक्कर वाले लड्डू, मैं आपको दिखाते चली जाती हूँ बीच बीच में। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बनता चला जा रहा है। यहाँ ये वाला भी लड्डू बन रहा है, तो दोनों तरफ मैं गैस पर दो तरह के लड्डू एक ही साथ में चढ़ा दी हूँ। 10 से 15 मिनट के अंदर इस पर अच्छी तरह से बाइंडिंग की स्टेज आ जाती है। तो ये लीजिए, देखिए साइड से इसका जो कोकोनट ऑयल है वो रिलीज होने लगा है, इसमें एक शाइनिंग सी दिख रही है। इसे लगातार हमें चलाते चले जाना है। और ये जो शक्कर वाले लड्डू है दोस्तों, इस वक्त इसमें हमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम, यानी कि दूध की मलाई। तो दूध की मलाई ऐड करने से क्या होता है, जो इसका टेक्स्चर है, इसका लुक्स है, बहुत ही क्रीमी सा आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बिल्कुल मिल्क में डालते हैं ना हम, बिल्कुल उसी तरीके का। और ये देखिए, ये गुड़ वाला लड्डू भी यहाँ बन करके रेडी हो रहा है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये लड्डू बनाने वाले स्टेज पे आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें लगातार इसे चलाते चले जाना है, और थोड़ा सा हाथों में इस तरह से लेके हमें देखना है कि लड्डू बन रहे हैं या नहीं। के बाद कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया, और एक कटोरी से इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी जो बैक साइड है उसे अच्छी तरह से हमें इस तरह से 10 से 15 मिनट तक इस तरह से जितना आप मैश करेंगे लड्डू, उतना अच्छा आपका बन करके रेडी होगा। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली, ना हमने इसमें मावा डाला है, ना किसी तरह का कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, और स्वाद लजीज है इसका। ये देखिए, ये जो हाथों में तेल है ना दोस्तों, ये कोकोनट ऑयल है, किसी तरीके का हमने घी या ऑयल अप्लाई नहीं किया है हाथों में। और ये देखिए परफेक्ट लड्डू बन करके रेडी हो रहे हैं। ये जो लड्डू है दोस्तों, ये 15 से 20 दिन आराम से बाहर रह सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो इसे किसी भी एयर टाइट जार में भर करके लगभग 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर से मैंने यहाँ गुड़ वाले लड्डू भी रेडी करे हैं।
तो इसके बाद उसे भी इस तरह से कटोरी की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैंने 10 से 15 मिनट तक। और ये देखिए लड्डू बन करके रेडी हैं। तो दोनों तरीके के लड्डू बना लिए हैं मैंने। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू बन करके रेडी हुआ है। किसी भी पूजा पाठ, फेस्टिवल या किसी तरीके का भी त्यौहार हो, आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पर। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों लड्डू आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ आपके लिए आपके अपने चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।